बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आपको खुदा ने माल दिया है, पैसा दिया है, दौलतें दी, आपने अगर इसकी नाकदरी की, माल को बेबा खर्च कर दिया, उधर उड़ा दिया और कह जी साडा कमाया सी, आपको माया किसी ने की हक है पूछण दा? नहीं। इसलिए आपने वो हदीस मशहूर सुनी होगी कि अल्लाह तबारक व ताला कल रोज़े क़यामत में, रोज़े क़यामत में माल के बारे में दो सवाल करेंगे, उम्र के बारे में एक सवाल करेंगे, तुझे जवानी उम्र दी कहाँ खर्च की, ये सवाल करेंगे। लेकिन माल के बारे में दो सवाल करेंगे कि तूने, तुझे माल दिया तो माल तूने कहाँ से कमाया, और फिर दूसरा तूने कहाँ खर्च किया। तो कमाने और खर्च करने दोनों सवाल हो रहे हैं। आप कहे जी कमाया, हमारी कमाई है, अल्लाह कहते ठीक है बहुत अच्छा, हलाल से कमाया, अब खर्च कहाँ किया है। हम में कितने लोग हैं जो कमाते तो हलाल से हैं लेकिन खर्च हराम पे भी कर देते हैं। अब बताएं, देखो तो खर्च करने में तो आप पास हो जाएंगे कि ये हलाल से हमने कमाने में तो आप पास हो जाएंगे, हलाल से कमाया, लेकिन खर्च करने में पकड़ जाएंगे। बच्चों को बगैर पूछे दे दिया, बच्चे ने कहाँ खर्च किया, बच्चे ने किसी हराम पे खर्च किया, किसी नजायज पे खर्च किया, आपने कोई इंक्वायरी नहीं की, आपने कोई उसके चेक बैलेंस नहीं रखा, तो कल अल्लाह तबारक व ताला आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि हदीस में फरमा दिया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रैयती, तो तुम में हर एक जो चरवाया है और गोया के हर एक जो उसकी चरागाह के नीचे रहने वाले जानवरों के बारे में पूछा जाएगा। इससे बच्चों को दो तो उसकी इंक्वायरी भी करो, अपनी तरफ से पूरी इनका कहाँ खर्च करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, इंक्वायरी करके दे दो। अब अगर वो मिसयूज करता है, आपको गलत बात कह के करता है, फिर आपकी गर्दन पर गुनाह नहीं है, फिर आप पर नहीं है, लेकिन आप आंखें बंद कर दे, अल्लाह ने बड़ा दिया, ले जाओ ए भी दे दो, वो भी दे दो, खा, वो हराम पे खर्च कर रहा है, आप पकड़े जाएंगे। क्योंकि अल्लाह का रोजे कामत ये भी सवाल करेगा कि कमाया कहाँ से था और फिर खर्च कहाँ किया है।